दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। सो दोस्तों, मुझे स्कूल से आए तो बहुत देर हो चुकी है। मैथ का पेपर भी मस्त गया, साइंस का मस्त गया। गाइस, अब है ना, मैं पढ़ने लग रहा था, फिर मैंने दूध निकाल के आया भैंस का। और गाइस, मेन बात हमारी कल की छुट्टी है, परसों है इंग्लिश का पेपर। आज याद करूँगा, कल याद करूँगा, क्योंकि इंग्लिश का ना सबसे ज़्यादा टफ पेपर आएगा। गाइस, देखते हैं कैसा जाएगा। अब याद करूँगा फिर से, और कुछ काम होगा तो वो भी करना पड़ेगा। पेपर चल रहे हैं, घर के भी तो काम जरूरी है ना गाइस। मैं इधर बाहर आया था, इधर दादाजी है ना चून पीसने लग रहे हैं चक्की में, और मम्मी जी घास काटने गई हुई हैं। चाके रख दी है, वही शेड है चाके के पास, दादाजी शेड चून पीसने लग रहे हैं। ये रही वो बरोटी, और इस साइड दादाजी चून पीसने लग रहे हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी नहीं आ रही है क्योंकि आवाज़ हो रही है ना इधर, इस साइड चक्की में। अभी अभी पानी डाल के गया था, इसने थोड़ा ही पिया है, इसको चारा डाला था, इसने खाया नहीं है। उसको रोटियां डाली थी, वो वैसे रखी है, नहीं खा रहा, पता नहीं इन्हें भी क्या हो रहा है। मैंने ना ये तुलसी लगाई है, देखो गाइस, ये ऊपर से थोड़ी बहुत सूखी है, ये भी धूप पड़ने के कारण सूखी है, बाकी की बिल्कुल हरी भरी है। ये अच्छी लग रही है, इससे पहले वाली लगाई थी ना धूप के कारण सूख गई थी, पर अब को है ना इसको है ना एसी के नीचे रखते हैं छाया में, और ज़्यादा धूप हो जाती है तो इसकी जगह चेंज कर देते हैं। अब सारे दिन छाया में रहती है तो देखो कितनी अच्छी खिल रही है। देखो दो बिल्ली के बच्चे इस साइड बैठे हुए हैं, इनमें से एक खो गया है, एक ये भी खो गया था, ये वापस आ गया, वो वाला आया ही नहीं है। वो ऊपर बैठा है, ये नहीं नीचे बैठा है, म्याओं म्याओं कर रहे हैं। खाना डाल रखा है, वो भी नहीं खा रहे, म्याओं म्याओं कर रहे हैं। जी भी घास लेके आ गई हैं खेत से, जी आ गई हैं घास लेके खेत से, फसलें लग रही हैं। अब इसको इस वाली के पास रखेंगे, आवाज़ नहीं आती है, चक्की के पास जाता हूँ तो घास गिरा दी है। अंदर जाएंगे, गांव से एक दादी जी आई हुई है उनके पास बातें करने, हाथ पैर धोएंगी। खेत में ना हाथों के वो लग जाते हैं घास के टुकड़े, तो बात धो रही है, तो पैर धोने लग रही है। मुझे कहा ये बैंड है, इसको अंदर रखा कमरे में, अब इसको अंदर लेके जाऊंगा। मैं इधर बैठा हूँ, दादाजी लेटे हैं पराठे के आगे। जी है ना बाजर काट के लाई थी, उसमें ये है ना सिट्टे बचे थे, इनको इस साइड काट के अलग कर दिया है, और बाकी के सारे पशु खड़े हैं, पक्षी नहीं ओनली पशु हैं। अब है ना मूवी देख रहा था, पता नहीं कौन आया, टीवी बंद कर गया, प्लग कौन करता हूँ यहाँ से, भाई साहब पंखा भी बंद कर गया, अभी पंखा भी बंद कर दिया, अब टीवी देखूंगा आराम से, रिमोट ये रहा। मैं ये दो साइड निकले, मम्मी जी यहाँ पर देखो ये गेहूँ सुखा रखे, और इस साइड देखो कचरे सुखा रखे ना, इनको अंदर रखेंगे। देखो मम्मी जी गिरा दिया आपने, इनको अंदर रखेंगे, वो अब मेरे को अकेला ले जाना पड़ रहा है गाइस इसको। अभी गेट को कैसे खोलूं, इधर इतने में टीवी बंद कर दिया, वाह भाई। मैं अभी ऑन किया यार, थोड़ी बहुत देर तो देखने दो, एग्जाम टाइम है भाई, यही तो नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई में लगे रहे, थोड़ा बहुत टीवी देखना चाहिए भाई, बाहर भी घूमना चाहिए। सो दोस्तों, अंदर तो आ गया, उसको लेके अब वहां पर रखना है। भाई गिर जाता, बच गया मुझे, अब इसको रखेंगे अंदर कचरियों को। मेरे को तो अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्या खाते हैं इनका, इनका इसके एक खोरी है ना, इनको हटा देता हूँ, इनका इनको हटाने के लिए से। ये देखो लोहे का, जिन्हें इनको इकट्ठी तो कर ली है, अब आराम से चली जाएंगी अखबार में लिपट कर, नहीं तो जाती नहीं है। उन वालियों को भी ऐसे ही करेंगे मम्मी जी।
आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि है ना मैथ का पेपर था, मैं तैयारी करने लग रहा था, इस कारण से मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया। अब वीडियो रेगुलर आया करेंगी। ओके दोस्तों, मैं मिलूँगा आपको कल वाले ब्लॉग में।